और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। नफीस सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर कपिल सांगवान का दावा, नफीस सिंह राठी की हत्या मैंने करवाई है। गैंगस्टर ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए धमकी दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंदन में बैठे गैंगस्टर ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसने ये दावा किया है, हत्या की जिम्मेदारी उसने ली है। अपने विरोधियों को पोस्ट कर धमकी भी दी है गैंगस्टर ने, आगे भी दुश्मनों के लिए 50 गोलियां तैयार हैं गैंगस्टर ने कहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गैंगस्टर का पोस्ट, पोस्ट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हरियाणा न्यूज वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है हालांकि, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया से डिलीट होने की, पोस्ट डिलीट होने की भी जानकारी मिली है। नफीस सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान ने दावा किया है, कपिल सांगवान ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर कपिल सांगवान ने कहा है कि नफीस सिंह राठी की हत्या मैंने करवाई है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर का। नफीस सिंह राठी के परिवार ने दावा किया है, परिवार को मिल रही है धमकियां। देखिए, नफीस सिंह राठी की हत्या के बाद परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एसपी झज्जर को दी गई धमकियां मिलने की जानकारी, नफीस सिंह राठी के परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। परिवार को धमकियां मिलने की बात सामने आई है, फोन पर धमकियां दे रहा है कोई, जिसकी जानकारी जो है एसपी झज्जर को दे दी गई है परिवार की तरफ से। देखिए, नफीस सिंह राठी की हत्या के बाद अब परिवार को भी धमकियां मिल रही हैं। धमकियां मिलने के बाद परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, पुलिस कितनी जल्दी पता लगा पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एसपी झज्जर को इसकी शिकायत मिल चुकी है और ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। एक तरफ परिवार को धमकियां मिलने की बात, और उससे पहले ही जैसा कि बड़ी जानकारी हमने आपको दी कि एक सोशल मीडिया पर गैंगस्टर सांगवान ने एक पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी जो है ली है, तो कौन है साजिशकर्ता इस हत्या के पीछे, इसका पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। और इस बीच परिवार को धमकियां देने वाला कौन है, इसका भी पता लगाया जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से, नफीस सिंह राठी के परिवार की तरफ से पुलिस को जानकारी दे दी गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण धनकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, परिवार को अब धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, क्या जानकारी इस पर? जिसकी जो इनेरो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी के जो हत्या का मामला है, अभी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कपिल सांगवान ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन वो पोस्ट फेसबुक अकाउंट पर भी नहीं है, इंस्टा पर भी नहीं है, एक्स पर भी नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल फिलहाल वो पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। ऊपर से आज सुबह जब काफी संख्या में लोग नफीस सिंह राठी परिवार के भी यहाँ शोक जताने पहुंचे थे, उसी वक्त एक धमकी भरा फोन आता है, पहले बड़े बेटे के पास, फिर छोटे बेटे के पास, और उस वक्त वहां पर काफी संख्या में लोग थे, भाजपा के जिलाध्यक्ष भी जो वर्तमान में वो भी वहां पर मौजूद थे। उन सबके सामने फोन आया, फोन पर बद्दी बद्दी गालियां दी गई, और अब कहा यह जा रहा है, जो अभी हमारे राजपाल शर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर किसी ने फोन किया था, और उसकी सूचना तुरंत ही एसपी झज्जर को भी दी गई है। लेकिन ना तो अभी आरोपियों के बारे में कोई खुलासा हो पाया है, और ना ही ये खुलासा हो पाया है कि प्रवीण, ये जो कॉल्स आए हैं धमकी भरे, परिवार वालों ने ये बताया है कि क्या कुछ कहा गया है, धमकी किस बात को लेकर दी गई है? देखिए, परिवार तो इस विषय में अभी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल हालात परिवार के घर का बड़ा जाने के बाद पीड़ित परिवार पहले ही एक दुविधा की स्थिति में भी है, दुख की स्थिति में भी है। लेकिन जो लोग उस वक्त वहां पर बैठे थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हुई है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी गई है, और ये कहा गया है कि पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, यानी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। तो जान से मारने की धमकी, प्रवीण, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि दी जा रही है। इस बीच जिस पोस्ट की आपने जानकारी दी, आप बता रहे हैं कि ये पोस्ट कहीं ना कहीं डिलीट भी हो गया, ऐसी बात भी सामने आ रही है। तो इस पोस्ट को लेकर और साथ ही अब धमकी भरे कॉल्स को लेकर पुलिस की जाँच कितनी तेज हुई है? पुलिस की जाँच तो काफी तेज हो रही है,
रही हैं, तो 8 टीमें इस पर लगी हुई है। एक एसआईटी का गठन भी किया गया था और उसके बाद लगातार इस जो पोस्ट वायरल हो रही उसके संदर्भ में भी एसपी जज्जर से खुद मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये वेरीफाई नहीं हुआ है कि ये पोस्ट कपिल सांगवान की तरफ से ही किया गया है और ये कब पोस्ट कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल वो पोस्ट किसी भी अकाउंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है। उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, शायद स्क्रीनशॉट लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में डालने के बाद उस पोस्ट को गायब कर दिया गया है। और देखिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए झज्जर से एसपी अर्पित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, और मैं जानना चाहूंगी आपसे जिस तरह से परिवार वालों की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई है, धमकी भरे कॉल्स मिलने लगे हैं, इस बीच हमने देखा सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट सामने आया है, तो क्या पुलिस की जांच के एंगल में कुछ बदलाव आया है, किस तरह से जांच तेजी से की जा रही है? जी जी, हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और ये जो पोस्ट आई है उसकी हम डिटेल्स जो है वेरीफाई करवा रहे हैं, उसका एक प्रोसेस होता है तो वो सारा प्रोसेस चल रहा है, तो शीघ्र ही वेरीफाई हो जाएगा कि किस अकाउंट से ये पोस्ट डाली गई थी, कहाँ से डाली गई थी। और बाकी मैं उनके परिवार के संपर्क में हूँ, जो फोन आया है उस पर भी कार्रवाई हो रही है और काफी उसमें हम नजदीक तक पहुंच गए हैं कि किसने कॉल किया है, तो उनकी भी शीघ्र से शीघ्र जिसने भी कॉल किया उसकी अरेस्ट होगी। तो आप कह रहे हैं कि फोन कॉल जहां से आए उनके बारे में पता चल गया है, जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। सर, इस बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब से हत्या हुई है उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है, ये जांच कितनी आगे बढ़ी है, कुछ पता चल पाया है पुलिस के पास, कुछ जानकारी पहुंची हो, कौन है साजिशकर्ता? देखिए, हम काफी करीब हैं इसमें और हमारी टीम जो है कंटिन्यूसली इसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी जो है इसको वर्कआउट करके इसका पटाक्षक किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी मैं करना चाहूंगी, ये जो धमकी भरे कॉल्स आए हैं, परिवार वालों को क्या कुछ कॉल करके कहा गया है, किस तरह से डराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, वो मैंने अभी कॉल सुना नहीं कि क्या क्या बोला था, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि जो धमकी आई हुई है तो वो मैंने परिवार वालों से उसके बाद बात भी की है और वो नंबर जो भी जिनसे भी कॉल आया उनको आइडेंटिफाई करके और शीघ्र से शीघ्र उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये पोस्ट एक जांच में मील का पत्थर साबित हो सकता है कि जिस पोस्ट की बात आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कपिल सांगवान ने तो कहा है कि हत्या की जिम्मेदारी उसने ली है, लेकिन ये भी सर बात सामने आ रही है कि उसके अकाउंट से पोस्ट हुआ है, उसने किया है या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही हम वेरीफाई करवा रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो आगे जो भी होगा इसको हम रिकॉर्ड लेंगे, हम तो निश्चित रूप से ये अनुसंधान में भी और आगे जो भी कोर्ट की कार्रवाई होती है उसमें मदद करेगी अगर ये ऑथेंटिक पोस्ट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर एसपी को आप सुन रहे थे, अर्पित जैन, जिन्होंने ये तमाम जानकारी दी है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि ये जांच तेजी से हो ही रही है, साथ ही पुलिस जो है वो बेहद करीब जो है वो पहुंच चुकी है, जल्द ही इस हत्या का खुलासा हो जाएगा। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो नफे सिंह राठी की हत्या से जुड़ा ये मामला, जिसमें लगातार पुलिस जांच तेज करती हुई नजर आ रही है।